जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, विधायक कमसा जी, विधायक अभिषेक जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अमीन पठान जी, जिला प्रमुख बिंदु जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष नागौर के जिला अध्यक्ष हरीश जी कुमावत, कुमार मंत्री जी के प्रधान विजय सिंह जी, जिला महामंत्री श्री महावीर जी, पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कमल जी और उपस्थित सब मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मेरे सामने इधर उधर बैठे हुए और इतनी भारी संख्या में आए, सबसे पहले मैं महिलाओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आज इस गर्मी के अंदर आके आप लोगों ने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया है। यही हौसला अफजाई है। कभी कभी अकेलापन अगर महसूस होता है, कभी कभी ऐसा जब लगता है कि थकान हो गई है, इतना लंबा रास्ता है, तब जब मैं महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब इतनी महिलाओं ने अपने बात को, अपने विश्वास को इस चुनरी के साथ बांध के रखा है तो उन सबकी इज्जत, आप सबकी इज्जत को बना के रखने का काम करेंगे। चार महिलाएं नहीं, हजारों की संख्या में महिला आ रही हैं, तो महिलाएं मुझे ये बार बार मैसेज दे रही हैं कि अब आपको हम सब के लिए लड़ाई लड़नी है। किसी भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो, हम मान रहे हैं कि आप आगे चलोगी, हम तुम्हारे पीछे हैं। आपको जब इतनी संख्या में मैं देखती हूँ तो मुझे वैसे ही मेरे हौसला अफजाई हो जाती है। आप भी इतनी अच्छी संख्या में जब आते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी बात जो मैं इतने महीनों से कहते जा रही हूँ कि मेरा परिवार एक छोटा परिवार नहीं है, ये पूरे राजस्थान का परिवार है। आप लोग रैंक दो, तो बोलो मत कुछ नहीं, आप लोग सब बैठ जाओ इधर प्लीज, ताकि मैं देख सकूं। पुलिस वाले प्लीज, ओ पुलिस वाले आप लोग सब इधर बैठो, आ जाओ। मैं उन लोगों को देख सकूं, मेरा काम है सबको देखने का, और मेरे रास्ते में आप लोग कैमरा वाले और पुलिस वाले आ जाते हो तो मेरे लिए बड़ी खुशी हो जाती है। वहां जाके खड़े हो गए, वहां मत जाओ। देखिए मैंने दो महीने नहीं, अपनी जो भी 2003 से जिंदगी यहाँ लगाई राजस्थान के अंदर, उसमें मैंने एक ही मंत्र को लेके आगे चलने की कोशिश की। सब लोगों को मैंने ये कहा, ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है, किसी की तो मैं बहू हूँ, किसी की मैं बेटी हूँ, किसी की मैं समधन हूँ, और ये मेरा परिवार है। और इस परिवार में मैंने तय किया है कि सब जातियों को, सब मजहब को, 36 के 36 कौम को गले से लगा के चलने का काम मैं करूंगी। एक प्यार के धागे से जब मैं सबको बांध दूंगी तभी मेरा राजस्थान आगे बढ़ सकेगा, तभी आपका राजस्थान आगे प्रगति के पथ पर चल सकेगा। यहाँ आप लोग बैठिए, यहाँ कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, कोई बड़ी ऐतिहासिक बात या कोई पैसों की बात या कोई ऐसी बात नहीं है, एक दिल से दिल जोड़ने की बात है। और मैं मानती हूँ कि कभी भी सिर्फ इससे काम लेते हो तो वो काम सफल पूरा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, परंतु जब इसको और इसको दोनों को मिला देते हो और जब प्यार से सब लोगों को समेटने की कोशिश करते हो तो जो मुसीबतें हैं वो वैसे ही अपने आप हट जाती हैं, और हटने पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम भी हो जाता है। उस काम के लिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। ये मेरे परिवार को मजबूत करने का काम, इसका बीड़ा मैंने उठाया है, और मैं समझती हूँ कि अगर मेरा परिवार मेरे साथ है और अगर मेरा परिवार एक आवाज देके मेरे पीछे चलता है और अगर वो परिवार मेरे को कहता है कि तुम्हें ये काम करना है
तो मरेंगे मिटेंगे इस परिवार के लिए और इस परिवार को आगे ले जाने का काम उसके ऊपर मैंने वचन दे रखा है कि हम लोग आपके बीच में उतरेंगे। मैंने चार चीज अपने हाथ में ली इस क्षेत्र का। मैंने जब देखा, सबसे पहले आपको याद होगा 17 अप्रैल 2006 को जब मैं मुख्यमंत्री थी तो इस पूरे क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमने ये सोचा कि देश भर के जो भी प्रमुख किसान वैज्ञानिक हैं उनको राजस्थान के अंदर बुलाया जाए। मेरी मानना ये थी कि हमने अपने एक राज्य के अंदर इन सब को बुला के सबकी बात करके अगर एक किसान आयोग बनाया तो सरकारी योजना के एक सकारात्मक रूप से गांव तक पहुंचाने और गांव की जो भी मुसीबतें हैं उनको सीधे सरकार तक लाने का इस आयोग के द्वारा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो जो सुनना पड़ता है और देरी में कोई लोग पहुंचते हैं या पहुंचते नहीं है, ये मुसीबत फिर आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी और किसानों की बात डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास या डायरेक्ट सरकार के पास आने का काम कर जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इसी में खेती का बीमा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं इसके द्वारा हम लोग लागू कर सकेंगे। किसानों के बीज, उनके पानी, उनका पशुपालन, उनका खाद, इन सब विषयों के ऊपर सरकार अच्छी तरह से निर्णय ले पाएगी क्योंकि उनकी बात भी ऊपर आ जाएगी। और 28 मैंने ये कोशिश की कि सरकार ने 6 सालों से कभी भी किसान आयोग की चिंता मैं देख रही हूँ कि नहीं की है। 6 साल निकल गए 2006 से लेके आज तक। हम लोगों ने उसको बनाया, उसकी रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट 28 मई 2012 को उनके पास भी पहुंची और कई सालों बाद उनने फिर किसान आयोग बनाने का काम किया। और अब किसान आयोग बना तो लिया है, परंतु किसान आयोग नाम के लिए नहीं होना चाहिए था। किसान आयोग तो एक ऐसी चीज है कि जो रोज रोज किसानों की बात को ऊपर तक ले आए। मैं देख रही हूँ कि किसान आयोग 2012 में बना तो दिया, परंतु उसके बाद उस किसान आयोग के कोई दांत नहीं, कोई हाथ पैर नहीं और उस किसान और आयोग के द्वारा कोई काम राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़े और बड़े दुख की बात है। मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि इस किसान के आयोग के द्वारा हम लोग मालूम नहीं कितने सारे हजारों लाखों किसानों के पास पहुंच सकते थे। उसके बाद सबसे बड़ी हमारे इस क्षेत्र की योजना 2000 करीबन 800 करोड़ की, उस समय 2300 करोड़ की योजना थी, वो थी नागौर लिफ्ट। आपको याद होगा कि आप लोगों ने जब मेरा दौरा यहाँ होता था सब ने कहा कि हमें पानी की कितनी मजबूरी है। ये माताएं बहने अभी भी कहेंगी कि मुसीबत कितनी है। मैं जानती हूँ कि कुचामन सिटी के अंदर कितनी मुसीबत है पानी की और कितने कम पानी के वसत आप लोगों को मिल रहा है। मुझे शर्म आती है कि आज 55 साल हमने एक ही पार्टी को राज किया, एक ही पार्टी को राज किया, क्योंकि आप मेरे 5 साल निकाल लीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल लीजिए तो 12 साल निकालने के बाद 53 साल हमने एक ही व्यवस्था को दिया कांग्रेस की। और उस कांग्रेस की व्यवस्था ने हम लोगों को पीने का पानी तक नहीं दिया, हम लोगों को बिजली का इंतजाम तक नहीं किया, हमारे रोडों की क्या हालत है वो आपको देखने लायक है। और उसके बाद भी इतनी हिम्मत है कि वो आपके पास फिर आके कहते हैं कि ले हमारी झोली, इसमें डाल दो वोट। कौन दे सकता है? उधर आप देख लीजिए 15 साल निकल गए और नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात का क्या दृश्य दिखा दिया। पूरी दुनिया के अंदर अगर नाम है या भारत के किसी प्रदेश का तो वो है गुजरात का। यहाँ के लोग सब जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। वहां मैं जाती हूँ कभी जालोर में, आपके सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, तो वहां के लोग अपनी इंडस्ट्री को उठा उठा के और गुजरात ले जा रहे हैं। एक बार मैं पूछ रही थी वहां जीरा मंडी बनाना है तो जीरा मंडी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तो उठ के चली गई। हमारे टाइम में हमने तय किया था कि जीरा मंडी वहां बनेगी, इनके टाइम में ऊंझा के अंदर जीरा मंडी चली गई। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि वहां अगर आप देखेंगे तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं खुद अपने आंखों से देख के आई और मैंने कहा जब इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हमारी बात मानने वाला कौन है, कौन कहेगा हमारे लिए, हमारे तो गड्ढे में पड़ा हुआ प्रदेश। जब आपने मेरे को प्रदेश पकड़ाया था तो उस समय खजाना खाली था, परंतु मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि खजाना खाली है। ये तो माताएं बहनों की कलाकारी है, आप लोग सब जानती हो कि घर में खाली होगा भी फिर भी किसी को मालूम नहीं पड़ता। हम तो कहां से कैसा पैसा इधर लगा के इधर लगा के अपने सब कामों को पूरा कर देते हैं। ये तो इच्छा शक्ति की बात है।
आप तय कर लो तो कौन कहता है कि सरकार के पास पैसा नहीं। सरकार के पास पैसा होता है, खाली इच्छा शक्ति नहीं होती है। आपने मुझे दिया खजाना खाली, हम लोगों ने खजाना भर के वापस दिया और जनता के पास जा जाके जनता के काम करने में कोई भी कोताही नहीं बरती। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नागौर लिफ्ट योजना है। मैंने वादा किया था जब परिवर्तन यात्रा के अंदर पहली मेरी मीटिंग नागौर की उस बड़े चौक में हुई थी, आपको याद होगा, कोई वहां के लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, सबसे पहले मेरे लोगों ने कहा कि हम तो उसको मानेंगे जो हम लोगों को यह मीठा पानी, और उस समय कहा था हिमालय का पानी पिलाएंगे, जो व्यक्ति हमको हिमालय का पानी पिलाएगा उसको हम मानेंगे। मैं जवान थी, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और को मैं मेरे दिमाग में था कि हाँ अगर ये कह रहे हैं तो अपन कर भी सकेंगे। मुझे 5 साल लग गए परंतु उस हिमालय का पानी इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा नागौर में 761 करोड़ रुपए लेके नागौर में जाके पानी पिलाया। मेरा वचन मैंने पूरा किया, मैंने वादा किया था, उस वादा को मैंने पूरा किया। और उसके साथ साथ करीबन 1400 गांव, उस समय 1400 गांव, अब 1600 हो गए, पर 1400 गांव का मैंने वादा किया था कि उनको भी मैं पानी पिलाऊंगी। काश अपनी सरकार नहीं गई, अगर सरकार रह जाती तो वो पानी हम लोग आगे गांव में पहुंचा देते और आपके सब जायल को छोड़ के ये सब पूरा आपका जो इलाका है उस सब लोगों को शुद्ध मीठा और पर्याप्त पानी मिल जाता। और मैं कह रही हूं आपको कि सरकार अपनी आएगी तो ये काम होगा। मैं समझ में नहीं आता मुझे, आप लोग सब बैठे हो यहां, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, यहां तक लाके रख दिया, ये सरकार ने अभी तक पानी सबको क्यों नहीं पहुंचाया? पैसे का इंतजाम सब हो चुका था, वर्ल्ड बैंक के साथ 2300 करोड़ का इकरार हो चुका था, आज फिर आपने करार किया है 2800 का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक काम ही नहीं चालू किया है, क्या आपको लग रहा है कि ये प्यासी जनता जिनको बिजली नहीं मिली, जिनको किसी भी मूलभूत सुविधाओं से आपने जोड़ा नहीं है, वो फिर आपको वोट देगी? शायद यही सोचा होगा, क्योंकि अभी तक पानी का कोई इंतजाम नाम की चीज ही नहीं। और मैं आपको कह रही हूं कि होगा, और जायल के अंदर भी हमने इंतजाम किया था, उस पानी का इंतजाम किया था, मैंने कहा था इसको बिल्कुल साफ करके, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, इन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको साफ करके और जायल को साफ मीठा पानी हम पिलाने का काम करेंगे। उस काम को भी हमने चालू कर दिया था, परंतु अब जिस तरीके से उसकी सफाई हो रही है, जायल के लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि उसके अंदर कोयले की बास और बदबू आती है और हमको सही तरीके से वो पानी नहीं दे रहे हैं। ये वो सरकार है जिसको परोस के भी देने के बाद पूरा काम नहीं कर पा रही, कैसी सरकार? मैं ये पूछना चाहती हूं, किशनगढ़ से हनुमानगढ़ की हाईवे, आप लोग अब उस पर चलते हो, याद आती है कभी मेरी? कभी याद आती है मेरी? 460 करोड़ रुपए की किशनगढ़ से हनुमानगढ़ की यात्रा आपकी कैसे सरसराती हुई निकलती है? आप लोग सब पूरे के पूरे, मैंने वादा किया था तब कि ऐसे सड़क से आपको जोड़ देंगे कि वहां गुजरात और इधर उत्तर प्रदेश के साथ आप लोगों को एकदम सरासर जोड़ने की कोशिश हो जाएगी। वहां हम लोगों ने 154 करोड़ रुपए और 130 किलोमीटर का रास्ता आप ही के इलाके से निकलता जा रहा है, आप मैंने सब लोग पूरा नागौर के क्षेत्र सब लोगों को अब मैंने वायदा किया था, उस वायदा को मैंने पूरा किया। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब आप उस रोड पे चलते हो तो हो सकता है कि कभी सोचते होंगे कि हाँ वो थी, उसने हमको वायदा किया था और उस वायदा को पूरा करने में उसने किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। आज जब मैं आपके हाईवे पे चलने वाली हूँ तो मुझे याद आएगा और मुझे देखूंगी, मैंने सड़कें देखी हैं, ऐसी सड़कें देखी हैं, 2 महीने से जो मैं चल रही हूं, मैंने सबको कह दिया कि हाईवे पे अपने को नहीं चलना है, अपन अंदर की सड़कों से चलो, अपन देखें तो सही की सड़कों की क्या हालत। भाई और बहनों मैं बताऊं क्या आपको, ऐसी सड़कें बनी है और कई तो सड़कें ऐसी हैं कि आगे आगे बनती जा रही है, पीछे पीछे बिगड़ती जा रही है, ऐसी भी सड़कें हैं। और अभी मैंने वो भी देखी है कि कारपेट तो करा दिया और मेरे को लोग कहते हैं कि अभी तो 6 महीने हो गए साहब, अभी हुआ है ये तो सब, अब चुनाव की तैयारी हो रही है, तो हो तो गया है परंतु अभी बारिश आएगी, अगर जोरदार और अच्छी बारिश आती है जैसे हम लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं तो ये नहीं मालूम कि ये सड़की रोड रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो ये भी सकता है कि जिस तरीके से दूसरे रोड उखड़ गए वैसे ये भी रोड उखड़ जाएगी। अब मैं आपको
रोजगार पे लाती हूँ। रोजगार भी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे बहुत सारा काम जाता है भाइयों बहनों। सबसे पहले माता और बहनों, अच्छी पढ़ाई कराने की जरूरत है। बच्चे छोटे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उनको अच्छी तरह से डॉक्टरी मुआयना वगैरह सब हो जाता है तो वो बड़े होंगे, बड़े होंगे रोजगार के काबिल होंगे, कॉम्पिटिशन में बैठ सकेंगे, कॉम्पिटिशन में बैठ के उसमें उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो राजस्थान के अंदर पैसे की कमाई होगी और उसकी वजह से हमारा प्रदेश और आगे बढ़ाएगा। ये जरूरी है कि हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, परंतु नीचे का ढांचा अगर ठीक नहीं होगा तो वो बच्चा ऊपर जा नहीं सकता। अब नीचे के ढांचे को अगर आप देख लीजिए, मैंने अभी इसके कोई कोई आंकड़े लिए तो मैंने पता किया कि आपके क्षेत्र के अंदर अपने समय में सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय 712 अपन ने खोले, करीबन माध्यमिक 200 और उच्च माध्यमिक 55 और जो नए प्राथमिक थे करीबन 260। टीचर्स टोटल अपन ने जो लिए उसमें करीबन 5000 थे। आज सामान्यीकरण के नाम पर आप लोग वो 700 स्कूल तो बंद कर चुके हैं और नए स्कूल अभी नहीं खुले हैं। अब आपको लग रहा है कि चुनाव का टाइम आ गया और लोग पूछने लगे हैं तो आप तैयारी कर रहे हो कि जल्दी जल्दी मैं इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। सब चीज चुनाव के साथ ही जुड़ेगा तो किसी प्रदेश को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। राजनीति भी ऐसी राजनीति होनी चाहिए जहां हम लोग ध्यान दें अपने जनता का। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने कई बार उस में मीटिंग की, लोगों ने मुझे कहा कि राजस्थान के इस इलाके के अंदर और आगे जोधपुर के अंदर बहुत सारे ढाणियां हैं, वो ढाणियां दूर हैं और वहां के बच्चे यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि 20 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, परंतु वहां तक नहीं आ सकेंगे, तो उनके लिए छोटे छोटे स्कूल खोलने की अपन कोशिश करें। हमने चला के उन स्कूल्स को खोला क्योंकि हम जानते थे वो बच्चे शायद यहां नहीं आ पाएंगे। उन सब स्कूलों को बंद कर दिया, टीचर नहीं है। जो टीचर खुले हैं, जो स्कूल खुले हैं उसके अंदर आपके टीचर्स नहीं है, जो आपके कॉलेज खुले हैं उसके अंदर प्रोफेसर नहीं है, जो आपके हॉस्पिटल खुले हैं उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, और जहां स्पेशलिटी है उसके अगर एक या दो मिल जाता है तो 8 नहीं है। उसके बाद एक्सरे नहीं है, ECG नहीं है, कोई भी बड़ी बड़ी मशीन जिसे जांच करने की जरूरत है वो नहीं है। अब हमारा बच्चा इसमें से सबसे निकल के जाएगा और समझो उसमें से निकल के ऊपर पहुंच गया तो ये नया रूल आजकल दिल्ली की सरकार ने यहां तक पहुंचाया है, जिसको इन्होंने भी करना शुरू कर दिया है कि 8वीं तक अपने को सबको पास कर दे। हम लोगों को अब किसी के स्कूल की जरूरत नहीं है, अब किसी को टीचर की जरूरत भी नहीं है, हम तो 9वीं से अपना काम चालू करेंगे। और मैं माताएं बहनें बताना चाहती हूं कि जोरदार षड्यंत्र है। सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के बच्चे सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और थोड़े से पढ़ाई लिखाई के अंदर दुनिया के अंदर छा जाते हैं। इनने यहां एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कि इन लोगों को आप इस तरीके से कमजोर करो ये ऊपर नहीं जा पाए, जब कॉम्पिटिशन का टाइम आएगा तो नहीं बैठ पाएंगे और हम आगे से ज्यादा लोगों को कॉम्पिटिशन से अलग कर सके। ये मैंने नहीं सोचा, मैं जब आदिवासी क्षेत्र के अंदर गई थी तो मेरे आदिवासी भाइयों ने मेरे को चला के कहा कि ये षड्यंत्र है, मैडम आपको मालूम है इतना बड़ा षड्यंत्र है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे आदिवासी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम ऊपर नहीं उनको ले जा पाएंगे, आप इसकी लड़ाई लड़िए। और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी लड़ाई लड़ी दिल्ली के अंदर और उसके अंदर फिर से सोचने को इनको बाध्य किया है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। फिर हमने अपने सरकार के अंदर ये कोशिश की कि एक सबसे पहले सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन बनाए। इस सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हमारी ये कोशिश थी कि ज्यादा जो हमारी मदद करेंगे आरपीएससी के थ्रू मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नौकरियों के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इस सरकार ने जाके उसको कर दिया बंद। अब जाएंगे सब नौकरियां इलाके के अंदर जाएंगे और कोर्ट में जाके फंस जाएंगे, ये सोच है। कोई नहीं सोच रहा है कि इनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ। हमने अपने टाइम के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरियां देने का काम किया और वो भी सरकारी और गैर सरकारी। कैसा हुआ माताएं बहनें, ये हो सकता है अगर कोई चाहता है तो, फिर तो नहीं है। इनने ये सोच लिया कि इसको जाके अटका दो तो सरकार को फिर ज्यादा पैसे देने की जरूरत ही नहीं होगी। आज इतने सारे हमारे पोस्ट वेकेंट पड़े हैं, कर्मचारियों के पोस्ट वेकेंट पड़े हैं,
अगर पुलिस में भर्ती करनी है, अगर टीचर में भर्ती करनी है, डॉक्टर में भर्ती करनी है, तो करो, ताकि ये स्थिति राजस्थान के अंदर अत्याचार का और जो बन रहा है वो स्थिति न बने। इस चीज के लिए हमको सबको लड़ाई लड़नी है, और आज वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पर अब आती हूं मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो मुझे लगता है माताएं बहने आपको छू जाएगी। मेरे जाते जाते मैंने ये तय किया था कि किसानों को अगर थ्री फेज बिजली मिल रही है किसानों को खेत में, तो माता और बहनों को सिंगल फेज बिजली 24 घंटे में देके छोड़ूंगी बोनस के साथ। और क्यों? क्योंकि जब हमारे व्यापारी किसान थके मांदे घर आते हैं तो उनको ठंडा घर मिलेगा। आप लोग जब खाना पकाओगी तो ठंडक में पकाओगी। आप लोगों के अगर कोई गैजेट है जैसे फ्रिज है, कुकर है, आपका कूलर है, तो वो भी चल सकेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बच्चे की परीक्षाएं हैं तो उस परीक्षा के लिए उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर की बिजली के नीचे बैठ के वो परीक्षा की तैयारी करके उस परीक्षा के अंदर भरे तरीके से निकल के आ जाएगा। ये सोच के आपके लिए मैंने अलग से बिजली का इंतजाम किया था। आज मुझे बता दो, वो बिजली जो आपको 20-22 घंटे बिजली थी, आज आपको 7 घंटे 8 घंटे और मेजर ट्रिपिंग के साथ घर के अंदर मिलती है। कितनी जोरदार तरीके से मैं कोशिश चुकी थी, मिल रहे ने मिलना शुरू किया था, ये बिजली को फिर से गड्ढे में डालने का काम इस कांग्रेस ने किया। और किसान भाइयों, आपको तो 8 घंटे बिजली मिल ही रही होगी, 4 घंटा 5 घंटा वो भी ट्रिपिंग के साथ, मुश्किल से मिलती है बिजली। और सब लोगों ने मेरे को ये कह दिया कि जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर अगर बिगड़ जाते हैं तो मैडम आपके टाइम में 72 घंटे में मिल जाता था, अब हमको 1 महीने 2 महीने में मिलता है और बिना रिश्वत के नहीं मिलता। ये सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कह दिया। अब बिजली किसान को नहीं मिले, उसको सही समय इसमें पानी नहीं मिले, बीज नहीं मिले, खाद नहीं मिले, सही तरीके से फसल नहीं बिके, समझाओ मेरे को कि उसका क्या होने वाला है। वो तो आत्महत्या की कगार पे, और ये कभी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर, पहली दफा आत्महत्या की कगार पे आके बैठ गया है वो किसान की स्थिति। मैं किसान भाइयों को पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में जयपुर में जब थी तो मैंने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा मुआवजा का पैकेज आपको मिला कि यहाँ पाला पड़ गया, ओले पड़ गए, तो जिनका मैंने जिनकी फसल नष्ट हुई उनके लिए उन्होंने बड़ा पैकेज बनाया। आपको किसी को पैकेज मिला? कोई मुआवजा मिला किसी को? मिला? नहीं मिला। बताया कि बिजली के दाम कम कर दिए, बताया कि पैसों का इंतजाम कर दिया, और बताया कि आप लोगों के बीच में जाके सब लोगों ने, तहसीलदार वगैरह सब लोगों ने बैठ के आपका पैकेज प्रिपरेशन करके ऊपर जयपुर से भिजवाया। अब मैं जहां भी गई हूँ वहां सब किसानों ने मेरे को हाथ ऊपर करके ये कह दिया कि ना ना हमको नहीं मिला। आप भी यही बात कह रहे हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिजली जो आई हुई थी राजस्थान के अंदर, ताप बिजली घर जो लग गए थे और 4000 मेगावाट उसमें से निकल के आना चाहिए था, ये सब बिजली कहाँ गायब हो गई है भैया? कहाँ चली गई है ये तो? और खुद मिलके जिस तरीके से देश का भट्टा बिठा रहे हैं और साथ में प्रदेश का भट्टा बिठा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इनको एक मिनट भी उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। ये सब लोगों को तय कर लेना चाहिए। हमने मौका दिया और इस मौके का आपने इस तरीके से इसका काम लिया। और आखिर में मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ, वीर तेजा जी का मंदिर हम सबका मंदिर। मुझे याद है कि मैं जब यहाँ से निकली थी तो आप लोगों ने सबने मुझे ये कहा कि सबका पैनोरमा आप लोग बना रहे हो तो हम लोगों का भी इंतजाम करो। 50 करोड़ सर खरनाल के लिए हमने अलग से दिया था, और हमने ये भी कह दिया था कि और पैसे भी मिल जाएंगे उसका अच्छी तरह से मंदिर का निर्माण कर दो। और मैं देख रही हूँ कि जो जैसा था वैसा ही पड़ा है, किसी को कोई कुछ इरादा नहीं है आगे कुछ बढ़ाने। मैं आपको सिर्फ इतना कहने आई हूँ, आपके सामने एक नया राजस्थान का दृश्य, या तो ये पुराना राजस्थान या घुट घुट के हम मर जाएं, या वो नया राजस्थान जिसके अंदर हमारी महिलाएं सुरक्षित सड़क पे चल सके, जिनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार न हो, जहां महिलाएं अपने परिवार को बड़ा कर सके, जहां हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके रोजगार जरूर मिले, ऐसी स्थिति जहां हमारे किसान मजबूती से खड़े हों, जहां हमारे व्यापारी पैसा बनाए हमारे प्रदेश के लिए, जहां इंडस्ट्री आए वो लगे, ये सब चीज, एक ऐसा नया राजस्थान उसमें बने जो इतिहास में राजस्थान का नाम हुआ करता था,
और आज कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। आज हम चाहते हैं कि इस नए इतिहास को बनाने का काम एक नया राजस्थान बन के रहे। क्या आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप लोग सब चाहते हो। अगर आप लोग सब चाहते हो तो याद रखना कि या तो हमको आपको डराने को, लुभाने को, दबाने को पूरी कोशिश हो जाएगी। ये चार महीने कुंभकर्ण की नींद से एकदम से जागे हैं सबके सब। अब तो चुनाव आ गया, अब क्या करना है हमको? एक तुरंत ही सब लोगों के बीच में रेवड़ी बांटने का शुरू काम कर दिया। मैं इस सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान का व्यक्ति गरीब हो सकता है, परंतु अपने स्वाभिमान और अपने इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ किसी को नहीं करने देगा। और वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मौका मिला है, आए, डराए, धमकाए, कैसा भी हो, इतनी हिम्मत अपने में होनी चाहिए, इतना विश्वास हम पे होना चाहिए कि हम लोग मिलके इस नए राजस्थान को बनाएंगे। और इस नए राजस्थान का काम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये पूरा परिवार ही कर सकता है। एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, परंतु पूरे परिवार के हाथ में वो जादू है, वो ताकत है, जिसमें हम लोग सब मिलके इस चीज को कर सकते हैं। तो बताओ, चुनौती लेने को तैयार? चुनौती लेने को तैयार हो बाबा साहब? अगर चुनौती लेने को तैयार हो तो फिर हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान के लिए नारा जोरदार, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।